मंदसौर जिले में आशा और उषा सहयोगी एकता यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। सोमवार को यूनियन की कार्यकर्ताओं ने मंदसौर के गांधी चौराहे पर वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी। आपको बता दूं कि आशा और उषा यूनियन कार्यकर्ताओं की मांग है कि वह 2000 की प्रोत्साहन राशि में काम कर रहे हैं, जिसे बढ़ाया जाए, साथ ही वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगे भी पूरी की जाए। सरकारी दावों के अनुसार मिशन संचालक ने आशा को 10,000 और सहयोगी को 15,000 वेतन देने को कहा है, लेकिन 21 दिन होने के बाद भी मांग की सुनवाई नहीं हो रही। आशाओं का कहना है कि हम कर्मचारियों से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, कोरोना काल में भी सेवा दी है और उसके बाद भी हमारी वेतन वृद्धि की मांग नहीं मानी जा रही है। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। मेरा नाम भारती सोलंकी, आशा उषा आशा सहयोगिनी एकता यूनियन जिला सचिव हूँ। हमारी जो प्रमुख मांग चल रही है वेतन को लेकर हड़ताल चल रही है। काफ़ी समय से, लंबे समय से हम लोग हड़तालें कर रहे हैं और हमारी मांगे की कोई पूरी नहीं की जा रही है। हमारी प्रमुख मांग है वेतन वृद्धि की। जो हम लोग अभी न्यूनतम प्रोत्साहन राशि में 2000 में काम करते हैं और 24 घंटे काम करते हैं, एक कर्मचारी ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग, और कोरोना काल महामारी में भी हम लोगों ने दिन रात काम किया है। सारे अभियान सरकार के स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर हमको काम करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी वेतन वृद्धि की जाए। तो हमारे जो अभी मिशन संचालक ने हमारी जो मांग प्रमुख मतलब हमारी जो अभी बनाई उन्होंने मानदेय घोषित किया है 10,000, वो भी सरकार ने अभी लागू नहीं किया है और उसके लिए हमको आश्वासन दिया था कि जल्द ही लागू कर देंगे। उसको ना बोले को भी 30 दिन ऊपर हो गए हैं पर हमारी मांग पूरी नहीं गई है। आशाओं की 10,000 न्यूनतम वेतन लागू करने की बोला है मिशन संचालक ने, और सहयोगिनी बहनों का 15,000 लागू करने की बोला है, और उसको आश्वासन दिए को 1 महीना ऊपर हो गया पर अभी तक मांगे हमारी पूरी नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए और हमारा न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। भारती सोलंकी, टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंदसौर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट।